2019 की चुनौतियां सामने देख प्रदेश में बीजेपी सरकार का रुख अब गांव की ओर हो गया है। मुख्यमंत्री खट्टर एक पखवाड़े के भीतर दूसरी बार पानीपत के किसी बड़े गांव पहुंचे। इस बार सीएम ने चौपाल में ग्रामीणों के बीच बैठकर पीएम मोदी के मन की बात सुनी। चुनाव की तैयारियों में लगी प्रदेश बीजेपी के साथ साथ सरकार के मुखिया भी अब लोगों से घुलने मिलने लगे हैं। रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री के हर महीने रेडियो पर होने वाली मन की बात ग्रामीणों के बीच बैठकर सुनी। दरअसल इस कार्यक्रम का मकसद ही प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और क्रेज को थामे रखने के अलावा बीजेपी को ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत करना और सीएम का खुद को एक आम आदमी की तरह पेश करना था। लीजिए पहले टीवी पर रेडियो प्रसारण। सबके सब मेडल जीत के आए हैं। मणिका बत्रा ने जितने भी इवेंट में कॉम्पीट किया सभी में मेडल जीता। आधे घंटे के मन की बात के बाद सीएम ने अपने मन की बात लोगों से कही। उन्होंने हरियाणा की तरक्की और हाल ही में खेलों और आईएएस की परीक्षा में प्रदेश के युवाओं के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हरियाणा के युवाओं में बहुत क्षमता है, बस उन्हें मौका मिलना चाहिए। दो पानीपत जिले में आए हैं। इसी प्रकार सोनीपत जिले की एक बेटी, वो पूरे मेरिट में लाखों लोग होते हो, बच्चे होते हैं उसमें, वो एक बेटी दूसरे नंबर पर आई है। अनु कुमारी नंबर दो पर आई है। नहीं, कितने होशियार बालक है हरियाणा के। तो हरियाणा का नौजवान जब एक बार ठान लेता है, संकल्प कर लेता है, तो वो किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा, बल्कि देश में सबसे आगे निकल करके वो दिखाएगा। पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके मनोहर लाल ने दिल्ली में हुई कांग्रेस की जन आक्रोश रैली पर चुटकी ली कि आज अगर आक्रोश होता तो ये सारे इस गांव के लोग हजारों की संख्या में ना आते, और कल जो मेरा फरीदाबाद में जैसा भव्य रोड शो का कार्यक्रम हुआ है, हरियाणा की जनता में किसी प्रकार का कोई आक्रोश नहीं है। आक्रोश है तो कांग्रेसियों में है, इसलिए कि उनकी सत्ता चली गई, सत्ता आती नहीं है। पानीपत ग्रामीण हल्के के गांव बबैल में आयोजित ग्राम स्वराज अभियान के इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल का हम शक्ल पानीपत का चरणजीत लाल भी मौजूद था, जिससे सीएम ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। सरकारी चाशनी में लिपटे इस कार्यक्रम का असली मकसद राजनीतिक ही था। 2014 के विधानसभा चुनाव के वक्त तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने चलो गांव की ओर एक कार्यक्रम चलाया था। बीजेपी भी अब उसी तर्ज पर चल रही है। दरअसल प्रदेश में आईएनडी बीएसपी गठबंधन के बाद बदले समीकरणों के मद्देनजर बीजेपी की राजनीतिक प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।